हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला चंबा के किहार में हुए मनोहर हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोग लगातार आरोपियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वीरवार दोपहर के वक्त पहले गुसाईबी ने किहार थाने का घेराव किया, इसके बाद हत्या आरोपियों के घर पर आग लगा दी। मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी घटना की जाँच NIA से कराने की मांग की है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मामले को सांप्रदायिक रंग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर यदि लिखित में उनसे NIA जांच की मांग करेंगे तो इस बारे में विचार करेंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो कुछ हुआ वो बड़ा दुखद था और उसका जिस प्रकार से हत्या हुई है वो बड़ी दर्दनाक हत्या थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी कल्प्रिट्स थे उनको पकड़ लिया गया है, और अगर वो विपक्ष के नेता अगर ये समझते हैं कि हमें इसकी जांच NIA से करवानी चाहिए, वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन दे, हमें इसमें कोई हर्ज नज़र नहीं आता है अगर वो चाहेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भय का वातावरण नहीं होना चाहिए, और प्रदेश में इस प्रकार का भय का वातावरण पैदा करके वो जो हमारी देव संस्कृति है और जो हमारे हिमाचल का संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचता है। मुझे पता लगा, जैसे कि आप कह रहे हैं, मैं तो अभी मीटिंग में था, कि घर जला दिए हैं, तो इस प्रकार का घर जलाना उचित बात नहीं है। जो जिसने ये कृत्य किया है वो सलाखों के पीछे, और निश्चित तौर पर इस प्रकार से अब घर जलाना और उसके बाद विपक्षी पार्टी का मुख्य मुद्दा ये होना कि राजनीतिक तौर पर इसको कैसे आगे बढ़ा जाए, ये गलत बात है। हमें हिमाचल प्रदेश की जनता ने सभी समुदायों की सुरक्षा और उनके माल हानि का जिम्मा दिया है, और ये हमारा दायित्व भी बनता है। मेरी सभी जो वहाँ है हमारे, उनसे मेरा अनुरोध है कि आपके कुछ कहना है, सरकार यहाँ है, जो आप कहेंगे उन मांगों को हम मानने को तैयार है, और इस प्रकार का उपद्रव फैलाकर प्रदेश की जो देव संस्कृति है, जो शांति की संस्कृति है, इस समय टूरिस्ट का सीजन चल रहा है, उनको भी नुकसान पहुंचता है। मैं इसी सभी लोगों से वहां के अनुरोध भी करना चाहता हूं, अगर आपको और कुछ नज़र आता है हम वो भी करने को तैयार है। हत्या उनके पास हाथ में लगे हैं और वो जिस प्रकार की भी जाँच चाहेंगे हम सरकार उनकी इस बात को भी मानने के लिए तैयार। अगर जयराम ठाकुर जी लिख कर देंगे तो मैं, हमें कोई हर्ज नहीं है। विपक्ष के नेता है, सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर वो कहेंगे तो वो उनकी बात को हम गौर करेंगे, और उनसे चर्चा करने के बाद अगर वो बात करेंगे तो हम NIA के लिए भी तैयार है, कोई फर्क नहीं। देखिए, जांच में जितने भी परिवार के सदस्य है, अब बच्चे रह गए हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो दो दिन पहले से अरेस्ट कर लिए गए हैं, हिरासत में ले लिए गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष वहाँ जाते हैं और ये काम करते हैं, तो हमने उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार की वातावरण हिमाचल प्रदेश में पहले से नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात आती है, हमारी सरकार जिसने ये दर्दनाक कृत्य किया उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है, और इस प्रकार का कोई भी कृत्य, ये तो दो दिन बाद उठ रहा है, हमारी सरकार ने तो तुरंत कार्रवाई की है। अब इसमें राजनीति हो रही है, मैं चाहता हूं कि इस प्रकार, इन प्रकार की वारदातों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जांच भी प्रभावित हो रही है क्या इससे? देखिए, जांच सरकार ने कहा है पूरी जांच होगी, कोई जांच प्रभावित नहीं होगी। जो जिन्होंने उनको मारा है उन्होंने
पुलिस की हिरासत में सब है वो। अगर कोई और उनके पास क्लू है तो मुझे बताइए, हम उनको भी हिरासत में ले लेंगे। हमारे हिसाब से जितने हमने मारे हैं उनको हमने क्लू ले लिया, और इसको राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हिमाचल प्रदेश में वैसे सांप्रदायिक रंग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ अधिकांश लोग जो है वो हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं, तो इसलिए कोई सांप्रदायिक दूसरी संप्रदाय तो थोड़ा सा है, थोड़े बहुत मामूली से हैं, 2-3% दूसरे संप्रदाय है जिसमें सब लोग आते हैं। उनको डराना धमकाना उनको करना, वो कोई इस प्रकार के रंग से आगे बढ़ने वाले नहीं है। हमें मुद्दों के साथ से बात करनी चाहिए, प्रदेश के हालात पर बात करनी चाहिए, और जो भी विपक्षी भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से किसी राजनीतिक लाभ उनको मिलेगा, उन्हें बैठ के बात करनी चाहिए। अगर NAI की चाहते हैं, CBI चाहते हैं, हम सब प्रकार से खुले मन से विचार करने को तैयार हैं।